हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, आज है मंडे और सुबह के बज रहे होंगे 8 या 8:30, क्योंकि ये ड्यूटी चले गए थे। उसके बाद फिर बच्चे सो ही रहे थे, तो आजकल बच्चे थोड़ा सा लेट उठ रहे हैं, तो इसी वजह से मैं भी नहीं उठा रही हूँ उन्हें, क्योंकि सुबह सुबह उठा के फ़ायदा भी नहीं है कुछ। और फिर क्या हो जाता है कि उनको उठाते हुए चिड़चिड़ाहट हो जाती है उनकी, और फिर उनकी नींद भी पूरी नहीं होती है क्योंकि बहुत लेट सोते हैं रात को। और आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि कूलर की वजह से भी थोड़ा सा वो नहीं हो रहा है, एसी ये लगाने नहीं दे रहे, पता नहीं क्यों। अब तक तो कूलर भी नहीं लगाने दे रहे थे हमें, बट मैंने उनको अभी 4-5 दिन से बोला कि नहीं, हमें मतलब हो ही नहीं रहा है, नींद ही नहीं पूरी हो रही है, इसी वजह से। फिर वो बोल रहे हैं ठीक है कूलर लगा लो, तो कूलर लगा दिया है। अभी एसी तो बिल्कुल चलाने नहीं दे रहे हैं, पता नहीं उनके दिमाग में क्या बैठ गया है, तो एसी बिल्कुल भी चलाने नहीं दे रहे हैं वो। और यहाँ पर फिर कल रात को मैंने वो जो भिगोने के लिए नहीं डाला था इडली के लिए, तो चावल और दाल भिगोने के लिए डाली थी, तो वही मैं यहाँ पर पीस रही। एक्चुअली ये ना सुबह सुबह इसलिए पीसा मैंने कि मुझे ना रात के लिए वो चाहिए था, इसी वजह से सुबह मैं पीसने के लिए लग गई थी, क्योंकि फिर वो जो फूलने का प्रोसेस है वो हो जाएगा दिन भर, और फिर इसे रात को मैं बना सकती हूँ। और ये ना पीसने के बाद यार बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है नीचे का सारा, और क्या बोलते, तो इसे मिक्सी तो गंदा हो ही जाता है, मुझसे तो बहुत गिरता है यार ये, पता नहीं क्यों। और ये पीसने के बाद ना मैं नमक डाल के रखती हूँ। एक्चुअली मुझे ना पूछना था किसी, कोई साउथ इंडियन मुझे देख रहा है, तो नमक डालना सही रहता है क्या? तो मैं नमक डाल के रख देती हूँ, फिर ये थोड़ा सा जल्दी फूलता है, तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि नमक डालना सही रहेगा या नहीं रहेगा। आप लोग नमक डाल के रखते हो या नहीं रखते हो, तो ये मुझे ज़रूर बताना, कोई साउथ इंडियन मुझे देख रहा है तो। तो यहाँ पर मैं रख दे रही हूँ क्योंकि रात के काम आ जाएगा। उसके बाद फिर मैं आ गई थी बेडरूम में, बच्चे उठ गए थे, उसके बाद फिर क्लीन करना था बेड, और बेडशीट भी काफ़ी दिन हो गए चेंज नहीं की थी, तो ये बेडशीट भी वॉश करनी थी, तो इसी वजह से फिर मैंने सोचा चलो बेडशीट भी चेंज कर लेती हूँ, वॉश कर लेती हूँ ये वाली बेडशीट। और हाँ, किसी ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि बेडशीट के बारे में बताइए, मतलब बेडशीट आप कहाँ से लेते हो, या बेडशीट काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है उनको मेरी, तो वो बोल रहे थे कि आप बेडशीट, आपकी बेडशीट बहुत अच्छे रहते हैं, तो आप कहाँ से लेते हो? तो डियर, मैं पहले तो मैं लोकल मार्केट से लेती थी, ये वाली भी लोकल मार्केट की ही है, बट ये वाली बहुत ज़्यादा कॉस्टली है बेडशीट। आई थिंक ये 3000 या कुछ तो भी समथिंग क्या आई थी ये, मुझे याद नहीं है, दिवाली के टाइम ली थी मैंने ये, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। इसका कपड़ा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत ज़्यादा लंबी है ये वाली बेडशीट, मतलब इससे भी बड़ा अगर बेड होता ना तो ये आराम से आ जाती थी, बहुत मुझे दबानी पड़ती है बेडशीट ये, तो इसीलिए ये वाली बेडशीट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और कपड़ा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इसका, इसके साथ कंफर्टर भी आया है और मैचिंग पिलो कवर्स भी आया है दो, तो कंफर्टर भी 2-in-1 है, मतलब दो साइड से आप डाल सकते हो उसे, कोई भी दो साइड से, और पिलो कवर से मैचिंग भी डाल सकते हो, और वो बेडशीट की मैचिंग भी डाल सकते हो, तो आप देख सकते हो नीचे कंफर्टर रखा है, तो वो भी आया है इसके साथ। तो मुझे ये वाली बेडशीट बहुत ज़्यादा पसंद है, थोड़ा सा कॉस्टली है बट अच्छी लगती है। और हाँ, रही बाकी बेडशीट की बात, तो बाकी बेडशीट मैंने मीशो से परचेज़ की है, आप लोगों को बताया भी था, जब भी मैं चेंज करती थी तो आप लोगों को बताती थी कि ये वाली बेडशीट नहीं लाई है, ये वाली नहीं लाई है, तो ऐसे करके। बट आपने उस टाइम अगर व्लॉग नहीं देखा है तो आपको पता नहीं होगा, तो इसी वजह से मैं आपको अभी बता दे रही हूँ कि बाकी के जो बेडशीट्स हैं मेरे, तो वो मीशो से परचेस किए हुए हैं, और मीशो पे भी बहुत ज़्यादा अच्छे बेडशीट मिल जाते हैं आपको, आप अगर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे, बट अभी लॉकडाउन की वजह से आप ऑर्डर नहीं कर सकते हो वहाँ पे, बट जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो आप मीशो पे सर्च कर सकते हो, बहुत अच्छी क्वालिटी के बेडशीट मिलते हैं और बहुत ही सस्ते मिलते हैं। आप रो क्यों रहे हो पहले बताओ, क्यों? पापा ड्यूटी के लिए, पिल्लू रो मत, मां पिल्ला सोना, रो मत, पापा बाइक लेके गए हैं अद्वी, पापा बाइक लेके गए हैं ड्यूटी, चलो कहाँ कहाँ चलू, बाहर दूसरों की बाइक है ना बेटा वो, नहीं ना, क्यों? चल दूसरों की बाइक है वो, नहीं चलो, दूसरों की बाइक है ना वो, नहीं किसकी? पता नहीं किसकी है, पापा की बाइक नहीं है बेटा वो, पापा की बाइक है वो, बोला तो नहीं है ना पापा की बाइक, पापा की, चलो हाय बोल दो, हाय बोल दो, इधर इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ ना, इधर आओ, इधर आओ, चलो हाय बोल दो पहले, हाय बोल दो ना सबको,
अद्वी हाय बोल दो बेटा। पापा के पास जाना है। पापा आ जाएंगे ना अभी ड्यूटी से। पापा की बाइक वो ही है ना? नहीं है पापा की बाइक, वो नहीं है। फिर उनकी स्कूटर लेके गए ना? अद्वी बोलो हाय बोल दो पहले। अद्वी पापा को कॉल करो ना। कॉल नहीं करना है पापा को, पापा ड्यूटी पे है ना बेटा अभी। चलो हाय बोल दो ना पहले एक बार। हाय ऐसे जोर से। हाय जोर से। हाय इधर देखो। हाय लव यू बोलो। लव यू। इधर देख के बोलो लव यू। स्माइल करो, स्माइल करो। इधर देखो स्माइल। ओके गुड बॉय। मजा आता दे ऊपर या दूरे मुड़ो भाई। वो लेके आना कोपर, लेके आना नहीं तो टोपला लेके आना। एल्युमिनियम वाला, एल्युमिनियम के टोपले में बर्तन लो। क्या क्या लाया है? ये मैंगो जूस। ओके ये सब मिल रहा है अभी? बेकरी आइटम सब लोग बोल रहे थे कि बेकरी आइटम हमारे यहाँ पे नहीं मिल रहा है। अरे वो टाइम में जाओगे तो मिलेगा ना। अच्छा हाँ हाँ, दोपहर में 12 बजे तक। आप सुबह ले लेते हो है ना ये? हाँ। इसमें क्या है? ओके एक की ट्रे है। नहीं ये है क्या के लिए पता है? पाव। तो मुझे पता है ये पाव ये है हाँ। अपने वो बनाने के लिए क्या नहीं। सो गाइज अभी बज रहा है दोपहर के 3:30 और अभी अभी हमारा लंच हो गया है। लंच बहुत सिंपल सा बनाया था, दाल चावल, थोड़ी सी सब्जी करेले की और रोटी। थोड़ी देर पहले ये ड्यूटी से आए थे और लंच कर लिया है। बस थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, उसके बाद वर्कआउट करना है, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। और हाँ मुझे एक बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन भी देनी थी आपको। ऐसा है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और आप सभी को पता है कि लॉकडाउन की वजह से हमें घर पे ही बैठना पड़ा है, हम लोग बाहर कहीं नहीं जा सकते हैं। कुछ लोग तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और जो बोर हो रहा है वो टीवी देख रहा है या मोबाइल में यूट्यूब देख रहा है या टिकटॉक देख रहा है, तो ये सारी चीज़ें हो रही है। मेरे कहने का मतलब ये है कि लॉकडाउन के चलते हम सभी लोग ऑनलाइन चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो इसी वजह से डेटा हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, मतलब रिचार्ज हमें बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। ऐसा हो रहा है कि रिचार्ज भी हमें घर पे ही करना पड़ रहा है, जो बिल्स है वो भी हमें घर पे ही पे करने पड़ रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, ब्रॉडबैंड बिल हो गया और बहुत सारे बिल है, DTH बिल है, टाटा स्काई बिल है, ये सारे बिल्स आपको घर पे ही पे करने पड़ रहे हैं। उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं अमेजोन यूज़ कर रही हूँ। अमेजोन पे मैं कैश करो का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप कैश करो का यूज़ करते हो तो आपको हर एक रिचार्ज पे कम से कम 50 रुपीज़ का कैशबैक मिल जाता है वहाँ पे, तो आपके उससे पैसे सेव हो जाते हैं। तो यही मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी। तो कैश करो एक बहुत ही बड़ी वेबसाइट है जो आपको साल भर 1500 से ज़्यादा वेबसाइट पर बहुत ही बढ़िया कैशबैक देती है। यहाँ पर आप कोई भी रिचार्ज करते समय कम से कम 50 रुपये का कैशबैक जीत सकते हो। यहाँ पर आपको जो भी कैशबैक मिलेगा वो आपकी रियल कैश होगी, वो आप अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो या उसे आप अपने अमेजोन गिफ्ट वाउचर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो आगे मैं आपको बता देती हूँ कि इसे यूज़ कैसे करना है। कैश करो डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, वहाँ पर क्लिक करके आप कैश करो डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद साइनअप करते ही इंस्टेंटली आपको 25 रुपीज़ आपके अकाउंट में मिल जाएंगे। इस तरह से आपके सामने एक पेज ओपन होगा, उसके बाद आप वहाँ पर कोई भी वेबसाइट सर्च कर सकते हो और कोई भी ऑफर सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर अमेजॉन रिचार्ज सिलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद आपको ऑरेंज बटन पर क्लिक करके रिटेलर पर जाना है, फिर आपको अमेजॉन रिचार्ज पेज पर जाके अपना जो नॉर्मली रिचार्ज प्रोसेस है उसे कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट हो जाने के बाद आप अपने कैश करो के अकाउंट में माय अर्निंग पे जाके अपना कैशबैक देख सकते हो। एक बार आपका कैशबैक कंफर्म हो जाए उसके बाद आप उस पैसों को आपके बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो या उस पैसों को आप अपने अमेजॉन गिफ्ट वाउचर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैश करो आपको रिचार्ज के अलावा एजुकेशन वेबसाइट्स पे भी कैशबैक दे रहा है। आप कैश करो की मदद से घर बैठे स्किल्स और अलग अलग कोर्सेज सीख सकते हो और कैशबैक जीत सकते हो। कैश करो आपको ऑनलाइन शॉपिंग करने के फ्री में पैसे दे रहा है, तो आप ये मौका मत गंवाइए, आज ही कैश करो डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप अगर मेरे लिंक से डाउनलोड करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 25 रुपीज़ आपके अकाउंट में मिल जाएंगे।
गाइज यहाँ पर छान रही हूँ मैं सूजी, क्योंकि इन्होंने ना क्या किया था, पिछली बार डीमार्ट गए थे ना उस टाइम सूजी लेके आए थे हम लोग तो ग्रॉसरी में, तो वो सूजी क्या हुआ था कि मैंने स्टोर रूम में रख दिया था सारा का सामान, तो मेरा ध्यान ही नहीं कि वो सामान निकाल के रखना है करके, तो इनको लगा कि एक दो दिन हो गए, मेरा ध्यान ही नहीं था कि वो सामान निकाल के मैंने डिब्बे में रखा ही नहीं, तो फिर इन्होंने क्या किया, वो आए थे तो इन्होंने वो डाल के रख दिया था, तो इन्होंने ना सूजी, उनको पता ही नहीं था कि मैं फ्रिज में रखती हूँ, एक्चुअली फ्रिज में रखने से ना वो कीड़े वगैरह कुछ भी नहीं होता है उसमें, जाले वाले और जो कीड़े वगैरह होते हैं वो कुछ भी नहीं होता है, तो इसी वजह से मैं ना मैदा या सूजी ये सारी चीज़ें मैं फ्रिज में रखती हूँ, तो इनको पता ही नहीं था कि फ्रिज में रखना है, इन्होंने क्या किया था डिब्बे में भर के रख दिया था, तो मुझे ना फिर बाद में दिखा ही नहीं सूजी कहाँ रखी है, तो फिर मैंने क्या किया इनको एक दिन पूछा कि सूजी कहाँ है, तो ये बोले कि मैंने डिब्बे में रख दिए भर के, तो फिर बाद में देखा तो मैंने उसमें जाले वाले लगे थे, तो इसी वजह से मैंने वो दो दिन से मैं सुखाने के लिए डाल रही हूँ बाहर, धूप दे रही हूँ उसे और अभी मैं छान के रख दे रही हूँ उसे। सो गाइज यहाँ पर मैंने रोटियाँ वगैरह बना ली थी, तो ये बोल रहे थे कि मैं सब्जी बनाता हूँ, क्योंकि आजकल इन्हें बहुत ज़्यादा मतलब वो हो रहा है कि नहीं मुझे भी ऐसा लग रहा है कि खुद के हाथों से बना बना मैं बहुत दिनों से खा रही हूँ, तो मुझे भी लग रहा है कि इनके हाथों से बना हुआ खाओ, तो ये भी बोल रहे ठीक है मतलब ऐसा वो नहीं आलस नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर बना रहे थे वो लौकी के कोफ्ते, तो मतलब लौकी के कोफ्ते की सब्जी, तो यहाँ पर लौकी इन्होंने कद्दूकस कर ली थी, उसका पानी निचोड़ लिया था, उसके बाद वो जो है क्या बोलते तो हरी मिर्च प्याज और धनिया पत्ता उसमें डाल दिया था, उसके बाद यहाँ पर लाल मिर्च हल्दी और धनिया पाउडर उसमें डाल रहे हैं, तो सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे और उसके बाद ऐड करेंगे उसमें बेसन, तो बेसन अच्छे से मिक्स कर लेना है उसमें, और यहाँ पर ना लहसुन अदरक का पेस्ट भी उसमें ही ऐड कर रहे हैं, थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, उसके बाद उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, उसकी टेस्ट बढ़ जाती है थोड़ा सा गरम मसाला वगैरह ऐड करते हैं उसमें, तो यहाँ पर एवरेस्ट का गरम मसाला ऐड कर रहे हैं, और उसके बाद थोड़ा सा बेसन ऐड करके उसमें अच्छे से मिला लेंगे, मतलब कोफ्ते बन जाए इतना, तो आप कंसिस्टेंसी समझ जाइएगा, जैसे मतलब कोफ्ते बनने लगेंगे वो तब तक आपको थोड़ा सा बेसन उसमें ऐड करना है, नमक ऐड करना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है आपको उसमें, सारी चीज़ें एक साथ मिल जाए ऐसे मिक्स कर लेना है आपको, और उसके बाद आपको उसमें थोड़ा सा अजवाइन ऐड करना है और एक इसमें थोड़ा सा जीरा और क्या बोलते हैं काली मिर्च कूटनी है आपको, और फिर उसका जो पाउडर है वो ऐड करना है आपको उसमें, थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आता है और फिर पचने में भी वो अच्छा रहता है, तो इसके लिए उसमें ऐड करेंगे और फिर इस तरह से गोले बनाएंगे और फिर फ्राई करेंगे, और आपको मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करना है ताकि अच्छे से अंदर तक ये जो कोफ्ते हैं हमें बना रहे हैं हम लोग तो वो फ्राई हो सके, अच्छे से कोफ्ते फ्राई हो जाए तब तक आपको इसे वो करना है फ्राई करना है। यहाँ पर कोफ्ते हमारे रेडी थे, तो यहाँ पर फिर ग्रेवी बनाने की तैयारी चल रही थी इनकी, तो ग्रेवी बनाने के लिए उन्होंने पीस लिया था क्या बोलते हैं तो उसे प्याज और टोमेटो, तो प्याज और टोमेटो पीस लिया था, उसके बाद तेल ऐड किया था कढ़ाई में, तेल ऐड करने के बाद उसमें जीरा राई चटकने दिया था, और जीरा राई डालने के बाद उसमें ऐड की है ये क्या बोलते हैं कड़ी पत्ता, फिर उसमें ऐड करेंगे ये प्याज का पेस्ट, अच्छे से आपको प्याज के पेस्ट को भून लेना है, मतलब उसका पानी छूट जाने चाहिए और तेल छोड़ना चाहिए तब तक आपको प्याज के पेस्ट को भून लेना है, उसके बाद आपको उसमें ऐड करना है लहसुन अदरक का पेस्ट और उसे भी अच्छे से भून लेना है ताकि लहसुन अदरक की पेस्ट की जो कच्ची स्मेल है वो चली जाए, कच्चापन जो है उसका चला जाए, और अच्छे से सारी चीज़ें अच्छे से भून लेनी है, भूनने पर ही डिपेंड करता है सारा कुछ, और फिर उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे उसमें टोमेटो का पेस्ट और इसे भी अच्छे से भून लेंगे एक साथ, जब तक हमारा मसाला तेल नहीं छोड़ता है तब तक हमें इसे अच्छे से भूनना है, और आप देख सकते हो यहाँ पर तेल छोड़ने लगा था मसाला, उसके बाद उन्होंने स्पाइसेस ऐड किए हैं जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी, तो इस तरह से उसमें ऐड किया है, उसके बाद थोड़ा सा गर्म मसाला ऐड करेंगे और फिर इसे अच्छे से चला लेंगे, और थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे तो जो टोमेटो है उसे भी अच्छे से गल जाएगा वो, और फिर उसे पकने में भी हेल्प मिल जाएगी, तो बस यहाँ पर थोड़ा सा जो नमक है वो ऐड कर दिया है, उसके बाद ये मसाला हमारा भून चुका है, आप देख सकते हो तेल छोड़ने लगा है मसाला, और फिर उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे हमारे कोफ्ते जो हमने पहले ही फ्राई करके रख दिए थे, तो फ्राई करने के टाइम कोफ्ते फ्राई करने के टाइम बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, मतलब वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं इसी वजह से, यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड करके उन्होंने ढक्कन रख दिया था, तो अभी यहाँ पर जो ग्रेवी है हमारी वो रेडी हो चुकी है, मतलब रेडी मीन्स वो पानी छोड़ने लगी है, तो साइड में पानी भी गर्म करने के लिए रख दिया है ताकि हमें कोफ्ते में ये पानी डालना, मतलब ग्रेवी बनाने के लिए पानी डालना होगा इसी वजह से, और फिर यहाँ पर कोफ्ते उसमें ऐड कर देंगे जो हमारी ग्रेवी है उसमें, और फिर थोड़ी देर ढक के रख देंगे,
और उसके बाद हमें उसमें पानी ऐड करना है, जो पानी हमने साइड में गर्म करके रखा है। यहाँ पर ऊपर से धनिया पत्ता भी डाल देंगे गार्निशिंग के लिए। और फिर हमारी रेडी है कोफ्ते की सब्ज़ी। थोड़ा सा पानी आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो, मतलब आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उतना पानी आप उसमें ऐड कर सकते हो। बहुत ज़्यादा यम्मी बनी थी यार, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। वैसे भी इनके हाथों से जो भी सब्ज़ी बनती है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। होता है ना थोड़ा सा हमारे हाथों से बना हुआ खा खा के हम लोग बोर हो जाते हैं, तो लगता है कि थोड़ी सी अलग टेस्ट मिल जाए खाने के लिए, तो अच्छा लगता है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30। और हाँ, कल ना रात को इस ब्लॉग को एंड ही नहीं कर पाई, क्योंकि क्या हुआ था कि रात को खाना वगैरह खाने के बाद इनको सडनली मम्मी पापा की याद आ रही थी, तो इसी वजह से वो ना गांव गए थे मम्मी पापा से मिलने, तो इस वजह से मेरा भी मन नहीं लग रहा था। फिर क्या हुआ था कि ये गए उधर मिल के आ गए, हमें नहीं लेके गए थे क्योंकि हम लोग मतलब जा नहीं सकते हैं। एक्चुअली इनको परमिशन है, ये जा सकते हैं कहीं पर भी, क्योंकि इनकी जॉब ऐसी है कि ये कहीं पर भी घूम सकते हैं, मतलब इतना ज़्यादा दूर भी नहीं। बट हमारा गांव आपको पता ही है कितना दूर है, 17 किलोमीटर है यहाँ से, और हमारे घर के रास्ते में ही पड़ता है, तो इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको। बट ये ना, इन्हें याद आई थी तो ये मिलने चले गए थे घर पे, तो बच्चों को भी नहीं लेके गए थे, मुझे भी नहीं लेके गए थे। तो फिर उसके बाद मेरा मन ही नहीं किया ब्लॉग को एंड करने का, इनका वेट कर रही थी, उसके बाद ये आया। तो फिर बता रहे थे कि थोड़ा सा तबीयत वगैरह ठीक नहीं है पापा की, तो ऐसे वैसे, तो इस वजह से मेरा मन ही नहीं किया फिर ब्लॉग को एंड करने का। और आज है ट्यूसडे 21 अप्रैल। और हाँ, जिन्होंने कमेंट किया था नाम लेने के लिए पिछले ब्लॉग में, तो उनके नाम लेने का टाइम आ गया है। तो लेने से पहले मैं किसी को विश करना चाहती हूँ, पूजा हमारी की आज एनिवर्सरी है, तो हैप्पी एनिवर्सरी डियर। एक्चुअली उन्होंने कमेंट की थी मुझे, उनकी आज एनिवर्सरी है, तो वो चाहते थे कि आज मैं एनिवर्सरी पे उनको विश करूँ, तो हैप्पी एनिवर्सरी वन सेकेंड डियर। तो अभी मैं ले लेती हूँ आपके नाम। फर्स्ट नाम है सोनम झा और सेकेंड नाम है मयूरी भानुशाली, ने मुझे रिक्वेस्ट की थी उनके बेटे का नाम लेने के लिए, तो उनके बेटे का नाम है दुर्वेज। तो कॉन्ग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू। उसके साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उसमें मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज, वीडियो रिलेटेड टिप्स वीडियोज, हॉल वीडियोज, मेकअप वीडियोज इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।